हाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूड विद श्वेता में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे हरे प्याज की कढ़ी। हरियाणा में हरे प्याज की कढ़ी को बहुत पसंद किया जाता है और ख़ासकर बाजरे की रोटी के साथ ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। ये हमने लिया है हरी प्याज को, जिसको हम पहले काट लेते हैं। हमने जैसे आल प्याज को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, तो जो फ्रेंड्स ये वाली प्याज है इसको हम अलग काटेंगे और जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम अलग काटेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो वाइट वाला पार्ट है उसको अलग काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने व्हाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट को अलग अलग काट लिया है और ये हमने थोड़ा सा लहसुन भी काट लिया है। फ्रेंड्स, ये हमने तीन हरी मिर्च काटी है बारीक। और सबसे पहले फ्रेंड्स, हम हमारी कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने 1 लीटर लस्सी ली है और उसमें हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे। तो 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से घोल को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, चूल्हे पे हमने कढ़ाई को रख दिया। फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हम तड़का दोबारा से लगाएंगे कढ़ी में। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना से फ्रेंड्स जो कढ़ी होती है आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को भी हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च। आधी प्याज हम इस स्टेज में डालेंगे और आधी हम तड़का लगाएंगे तब डालेंगे। फ्रेंड्स, प्याज को भी हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च। हमने इसमें थोड़ी मिर्च इसलिए डाली फ्रेंड्स क्योंकि हम 1 चम्मच तड़के के टाइम डालेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारी कढ़ी का घोल, जो कि हमने लस्सी और बेसन से तैयार किया है। अब कढ़ी को हम लगातार चलाते जाएंगे। छोड़ देने से जो कढ़ी है वो फट जाएगी, तो इसको हमें लगातार ही चलाते रहना जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो चूल्हे पे हमने आंच को तेज कर दिया है फ्रेंड्स और कढ़ी में हमारे उबाल आ गया है। फ्रेंड्स, एक उबाल आने के बाद हम कढ़ी में डालेंगे हमारी कटी हुई हरी प्याज। और अब हमारी कढ़ी को चलाकर हम फिर से उबालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक।
कढ़ी को हमें लगातार चलाते हुए उबालते रहना है फ्रेंड्स। हमें तब तक कढ़ी को अच्छे से उबालना है जब तक कढ़ी हमारी बिल्कुल बढ़िया से तैयार ना हो जाए। मेरे ददिया ससुर का कहना था कि जब तक कढ़ी में 360 उबाल ना आए तब तक वो अच्छे से नहीं बनती है, तो हम उसी तरीके से इसको लगातार पका रहे हैं। तो कढ़ी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कढ़ी जो कढ़ाई में है उसकी मात्रा भी कम हो गई है उबलकर। तो अब हमारी कढ़ी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स हम हमारी कढ़ी को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स तड़के के लिए हमने दूसरी कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे के ब्राउन होने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च साबुत और कड़ी पत्ता। इनको हल्का सा भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे कटी प्याज और कटी हरी मिर्च। इन सभी को अच्छे से भुनने के बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हम इस तड़के में डालेंगे, जिससे जो हमारी कड़ी का कलर है बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तड़के को हमने नीचे उतार लिया है और उसको हमने कढ़ी में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। फ्रेंड्स आपको हमारी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।